और ये दोस्तों टिकट घर है, अभी जो है वो सुबह के लगभग बज रहे हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ टाइम 7:12 हो रहे हैं और देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल भी भीड़ नहीं है। और टिकट का प्राइस जो प्राइस है दोस्तों वो 50 रुपये का है, ठीक है। और ये मेरा दोस्त फरहान है, वो अभी टिकट ले रहा है और फिर टिकट लेने के बाद हमारी एंट्री जो है वो इस साइड से होगी, यहाँ से वहाँ पहुँच के फिर आपको दिखाएंगे, ठीक है। दोस्तों यहाँ से जो है चेकिंग होगी, फिर हम जो है ये टोकन लेके, जो हमें टोकन मिला है ये 50 रुपये का एक, फिर यहाँ से जो है एंट्री करेंगे हम। दोस्तों ये जो है ना इसका एंट्री का गेट है और देख सकते हैं यहाँ से जो है इस साइड से जो दोस्तों हमारी एंट्री हुई है, ठीक है। और हमें जो है वो इस साइड में चलना है अब सीधे। आप देख सकते हैं दोस्तों सुबह का टाइम जो है वो भी हो रहा है, लगभग जो है दोस्तों 7:30 हुए हैं और देखिए कितना बढ़िया जो है यहाँ का सीन है। धूप की किरणें जो है दोस्तों आप सामने से देख सकते हैं कितनी बढ़िया लग रही हैं। और यहाँ पे पीने का पानी जो है उसका भी बंदोबस्त है। और इस साइड से जो दोस्तों वो मेन एंट्री है, यहाँ से घुसने के बाद जो है, और वो देखिए आपको ताजमहल का जो है वो गुंबद जो है वो दिखने लगा होगा, वो देखिए। यहाँ पे ताजमहल के बारे में कुछ लिखा है दोस्तों, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। वीडियो को दोस्तों आप पॉज करके जो है वो इसे पढ़ सकते हैं। और इसके सामने से ही जो है दोस्तों एंट्री होती है, ये गेट देख सकते हैं आप। और दोस्तों ये जो सीन आएगा ना वो सबसे बढ़िया आएगा, दिखाता हूँ मैं आपको अब। अब आपको दिखाते हैं बिल्कुल पास से चल के ताजमहल, ठीक है। और इस साइड में जो इन्होंने पानी भर रखा है वहाँ पे तो बैरिकेड लगा रखे हैं। सुबह का टाइम है दोस्तों अभी लगभग 7:30 का, और आप देख सकते हैं कितना बढ़िया व्यू आ रहा है। और सूरज की जो किरणें हैं दोस्तों वो इस साइड से पड़ रही हैं बिल्कुल ताजमहल के ऊपर यहाँ पे। तो हाफी जी से पूछते हैं, हाफी जी कैसा लग रहा है आपको? जी बहुत अच्छा लग रहा है माशाल्लाह, मुझे बहुत बेहतरीन लग रहा है इधर आके। अच्छा, और ये देखो फरहान जो है वो फोटो आ रहे। अरे फरहान, अरे ये तो बता, तू लग कैसा रहा यार? बहुत बढ़िया। हां बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है? मजा आ रहा है फरहान? हां बहुत बढ़िया। क्या देखने आया तू आज? ताजमहल। ताजमहल। और दोस्तों बहुत ही अच्छा जो है वो यहाँ का व्यू आ रहा है। और चलिए मैं आपको पास से चल के दिखाता हूँ कैसा लगता है देखने में ये। और काफी अंग्रेज लोग जो है वो यहाँ पे आए हुए हैं। चलिए दिखाता हूँ आपको ताजमहल। और इतिहास के बारे में तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा नहीं, क्योंकि सबको पता है किसने बनवाया और किसके लिए बनवाया था और कब बना था, ये सब पढ़ लेना आप यार। मैं खाली आपको बस ये दिखाना चाहता हूँ कि अब देखने में कैसा लगता है इतने कई सालों के बाद, ठीक है। और इस साइड से देख सकते हैं तो कितने लोग खड़े हुए हैं यहाँ पे, और पीछे की साइड जो है वहाँ से भी लोग देख रहे हैं। और सुबह जो है काफ़ी सुबह है, लेकिन फिर भी जो है पब्लिक जो है अच्छी खासी है। और दिन जो है दोस्तों वह सैटरडे है, और सैटरडे संडे को जो है ना वो काफ़ी रश रहता है यहाँ पर। और अगर आप यहाँ पे आते हैं तो प्लीज़ फ्राइडे को मत आना, क्योंकि फ्राइडे को है ना लाल किला कह रहा हूँ ताजमहल जो है वो बंद रहता है, ठीक है, फ्राइडे को, बाकी सब दिन खुलता है। और टिकट जो है वो 50 रुपये का है। ये देखिए इन्होंने नोक पकड़ लिया। अरे भयंकर, वाह मज़ेदार। दोस्तों ये पानी जो है वो आपको देखने में नीला लगता होगा, हालांकि इसके नीचे जो पेंट कर रखा है इस वजह से जो है वो ये नीला लग रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने लोग जो है यहाँ पे खड़े हुए हैं अपने फ़ोटोज़ खींचने के लिए, क्योंकि वहाँ से जो है ना वो व्यू बहुत बढ़िया आता है ताजमहल का, ये देखिए। तो चलिए एक बार ऊपर चलते हैं, फिर यहाँ से आपको व्यू दिखाते हैं। ये बिल्कुल जो है ना बिल्कुल स्ट्रेट व्यू है। ये देखिए यहाँ से दोस्तों मैं आपको एक व्यू दिखाता हूँ।
देखिए दोस्तों, इस पे शायद अरबी लिखी हुई है और मैं गुम्बद पे दिख रहा हूँ दोस्तों। ये देखिए आप देख सकते हैं छोटे छोटे कुंडे टाइप के लगे हुए हैं गुम्बद पे, और पास से देखने में जो है वो कुछ ऐसा लगता है ये। और ये जो है ये इसके पास की दीवार है, और ऊपर जाने के लिए जो है वो हमें यहाँ से जाना पड़ेगा और फिर घूम के ये जो लोग जा रहे हैं यहाँ से एंट्री है ऊपर की। दोस्तों ताजमहल को जिस भी साइड से देखोगे ना वो आपको सब तरफ से एक जैसा ही देखने को लगेगा, इसकी यही खासियत है। चाहे साइड से देखो चाहे फ्रंट वाले एरिए से देखो, देखने में बिल्कुल सेम लगेगा। क्यों फरहान, सही कह रहा हूँ नहीं कह रहा हूँ? अंदर जाने का जो टिकट है वो 250 रुपये का है, 200 से 250 रुपये का। और इस साइड में जो है वो यमुना नदी जो है वो बह रही है, वो मैं चल के आपको दिखाता हूँ अभी, ठीक है? जो देख रहे हो दोस्तों ये मस्जिद है, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है मॉस्क्यू, ये दिखाता हूँ मैं आपको, ये मस्जिद है। और वो जो है वो इमामत की जगह है जो देख रहे हैं आप सामने की तरफ। और चलिए अब मैं आपको चल के जो है वो यमुना नदी दिखाता हूँ दोस्तों, दिखाता हूँ आपको मैं यमुना नदी, जो कि आप देख सकते हैं। ये देखिए ये है यमुना नदी जो ताजमहल के पीछे के साइड से बहती है, और बिल्कुल यमुना नदी के बिल्कुल इस साइड में जो है वो ये रहा हमारा ताजमहल। रान ये बताओ कि खाली तुम ताजमहल देखने आए हो, इसके अलावा कुछ और भी देखोगे? इसके बाद हम किला देखने जाएंगे। कौन सा किला? आगरा फोर्ट। आगरा मतलब इन्हें ये नहीं पता कि किला तो देखने जाएंगे, लेकिन ये नहीं पता कि देखने कौन सा जाएंगे। और अब बता रहे हैं कि आगरा का जो है वो किला देखने जाएंगे ये। चलिए चलेंगे। और हवा दोस्तों बहुत अच्छी चल रही है यहाँ पे, मज़ा आ गया बिल्कुल। और ये जो सीन है ना दोस्तों पीछे का, ये सबसे बढ़िया सीन है दोस्तों। आप देख सकते हैं इस साइड से जो है वो धूप जो है वो पूरी ताजमहल के ऊपर पड़ रही है, और आप जो है शाइन देख सकते हैं कि कितनी बढ़िया आ रही है, पीली पीली जो शाइन आप देख सकते हैं, लेकिन पत्थर जो है वो सफ़ेद है इसका। दोस्तों मुझे इधर की एक चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, वो ये कि इधर के हर गेट पे जो है ना वो कुरान की आयत लिखी माशाल्लाह, हर गेट पे कुरान की आयत हाँ। अच्छी से अच्छी लिखी माशाल्लाह। और ताजमहल पे भी लिखी हैं, ये देखिए जूम करके दिखाता हूँ, ये देख सकते हैं आप लोग, ये जो देख रहे हैं आप यहाँ पे, ये सब आयतें लिखी हुई हैं। और अंदर जाने का ऊपर जो जाने का टिकट है ना वो 250 रुपये का है, 250 से 200 का टिकट है वो। क्या क्या जाना ऊपर यार, यही सही है अपना। और ऊपर जाने से भी कोई फायदा नहीं है, क्यों आप साहब? जी बिल्कुल, अपना ये जब यहीं से दिख रहा है, आप वहाँ पास जाओगे तो ऐसे करके देखोगे, यहाँ से सीधे सीधे दिख रहा है हमें ताजमहल, है ना? जी जी। और बाकी सब बढ़ जाइए दोस्तों, अब मैं क्या बताऊँ आपको ताजमहल के बारे में, और जितना मैंने आपको बता दिया आपने देख लिया, बस इन्जॉय करो वीडियो को और एंड कर देते हैं फिर, ठीक है? और मिलेंगे आपसे दोस्तों अगले ब्लॉग में, अगर आगरा फोर्ट गए वहाँ का बनाएंगे तो फिर आपको वहाँ का दिखाएंगे, ठीक है? तो चलिए दोस्तों मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में अगली ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।